नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर से एक नया लेटेस्ट वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि हस्तशिल्प बाज़ार का है। फ्रेंड्स, ये आप सभी को चौका घाट पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये मेला है जिसमें लगभग हर ज़रूरत के सामान आपको मिल जाएगी एक ही स्थान पर। ये फ्रेंड्स मेला 2 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगाया गया है, जिसमें लगभग लेडीज़ और जेंट्स लगभग दोनों तरह की इसमें यूज करने वाले सामान रखे गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सामान तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हर रोज़ यूज होने वाली लगभग सारी आइटम यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए, इधर शूज़ वगैरह मिल जाएंगे और उसके साथ ही साथ यहाँ पे घर को सजाने से लेकर पहनने तक लगभग हर एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ कई तरह के मसाले भी देखने को मिल जाएंगे, सौंफ वगैरह। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कपड़े आदि भी देखने को मिल जाएंगे आप सभी को। तकिए भी रखे गए हैं और उसके साथ ही साथ फर्श पे बिछाने वाले अच्छी अच्छी चटाइयाँ भी रखी गई हैं और खिलौने भी रखे गए हैं। और भी ऐसे तमाम आइटम हैं फ्रेंड्स जो कि आप सभी काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा फील भी कर सकते हैं। ये देखिए, लगभग पीतल के हर एक सामान यहाँ पे रखे गए हैं छोटे छोटे। और यहाँ पे बैंगल्स भी हैं, यानी कि चूड़ियाँ, हार भी रखे गए हैं जो कि गर्ल्स के लिए है। लेडीज़ भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पहुँच रही हैं, आप सभी देख सकते हैं। ये देखिए, खादी से संबंधित लगभग हर तरह की यहाँ पे आपको कमीज देखने को मिल जाएंगे, यानी कि कपड़े। यहाँ पे हर माल 20 रुपये, यानी कि लगभग जितने भी सामान हैं एक स्टॉल पे जो लगाए गए हैं वो 20 रुपये में मिल जाएंगे आप सभी को। और भी यहाँ पे राजस्थानी, जयपुर से संबंधित कई ऐसी वस्तुएं हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी हैं और काफ़ी कम दामों में आप सभी को मिल जाएंगे। ये देखिए, एयररिंग्स भी है और अचार वगैरह भी रखे गए हैं जो कि हर तरह के स्वाद के अनुसार हैं। ये देखिए, चारों तरफ का नज़ारा फूल से लेकर लगभग हर एक तरह की यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पिज़्ज़ा भी यहाँ पे, पिज़्ज़ा का शॉप भी लगाए गए हैं जो कि आप सभी को नज़र आ रहा होगा। कोट वगैरह भी हैं जो कि खादी के बने हुए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जाते वक्त आप सभी खूब सारे पैसे लेकर जाएं, क्योंकि जब आप यहाँ पे जाएंगे तब आप सभी को कुछ न कुछ पसंद आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी गई हैं जो कि आपके काफ़ी काम की चीज़ें हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जब भी जाएं तो पैसे लेकर ही जाएं, क्योंकि पसंद आएगा तो फ्रेंड्स पैसे होना काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए, कफ यानी कि चीनी मिट्टी से बनी हुई कफ वगैरह रखे गए हैं। देखिए, कितने सारे गमले से लेकर कफ तक, बाउल, लगभग हर तरह की चीज़ें यहाँ पे बना कर रखी गई हैं। देख सकते हैं बहुत सारे मात्रा में रखे गए हैं। दूर तक आपकी नज़र जा रही होगी, वहाँ तक फ्रेंड्स देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कफ रखे गए हैं इसमें। और भी कई तरह की वस्तुएं हैं जो कि आप सभी बखूबी जानते होंगे और ये काफ़ी ज़्यादा दाम हो सकता है कि आपको मिले, क्योंकि ये चीनी मिट्टी का है। और मैंने पूछा, यहाँ पे 6 कप आप सभी को 180 रुपये में प्रोवाइड होगा।
जो कि शायद ज़्यादा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन हो सकता है फ्रेंड ज़्यादा हो, क्योंकि 120 रुपए के आसपास बहुत हो गया। ये देखिए, लगभग हर तरह की और हर रंग की वस्तुएं रखी गई हैं, कफ रखे गए हैं, बाउल्स रखे गए हैं, उसके साथ ही साथ और दूर नज़र आपका जाएगा तो वहाँ पे कई तरह के गमले भी रखे गए हैं बड़े बड़े। और ये देखिए, एयररिंग्स रखे गए हैं, बैंगल्स हैं, हार हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। लड़कियों से संबंधित यानी कि गर्ल्स लेडीज़ से संबंधित काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। ये देख सकते हैं, गमले रखे गए हैं दोस्तों, उसके साथ साथ बाउल रखे गए हैं, गगरिया रखी गई हैं, कफ रखे गए हैं, और भी कई तरह की वस्तुएं हैं जो कि आप सभी देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स हस्तकला संकुल में ये मेला लगाया गया है, जो कि लगभग एक महीने यानी कि 2 अक्टूबर तक ही रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये कहाँ पर लगेगा किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि यही लोग अपना व्यवस्था बनाते हैं। और इस पूरे मेले के मालिक जो हैं उस्मान मलिक हैं, उनका नंबर दिया गया था बोर्ड पर। आप सभी ने नहीं देखा है तो वीडियो के शुरू में आप सभी को नज़र आया होगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे बैग वगैरह भी रखे गए हैं, यानी पर्स से लेकर बैग तक सारी फैसिलिटीज़ रखी गई हैं। गर्ल्स के सारे आइटम यहाँ पे लगभग रखे गए हैं। ये देखिए, घर से संबंधित और पर्स वगैरह। और यहाँ पे ज़्यादा आपको लड़कियाँ ही देखने को मिल जाएंगी, यानी कि लेडीज़ और जेंट्स भी हैं। जहाँ पे जेंट्स के यूज करने के सामान हैं तो वहीं पर जेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग हर तरफ आपकी नज़र जा रही होगी तो आप सभी को कुछ न कुछ देखने को मिल रहा होगा। ये देख सकते हैं कि कुर्सियाँ रखी गई हैं जो कि रॉयल अंदाज में बनाई गई हैं, लकड़ियों से संबंधित सोफे की तरह। और यहाँ पे बच्चों के भी आइटम बहुत सारे रखे गए हैं। ये देखिए, झूले वगैरह, हेलीकॉप्टर है जो कि एक बच्चे का 20 रुपये लग रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर। अगर आप नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाएं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कूदने वाला है, जहाँ पर मिकी माउस है, ये 30 रुपये ले रहे हैं फ्रेंड्स एक लोग के। और ये ट्रेन है देख सकते हैं, और ये तैरने वाला स्टीमर। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा यह मेला है। आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ ज़्यादा सहयोग करें और ऐसे ही मेरा साथ देते रहें। थैंक वॉचिंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव, कीप सपोर्ट, थैंक्स।